आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शाश्वत विजयवर्गीय है। मैं कोटा राजस्थान से हूँ और अभी मैं फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ MGA मेडिकल कॉलेज इंदौर से। और मैं एक मेरा नीट से जो मेरा मैंने लास्ट ईयर नीट क्रैक किया था, तो मैं मेरे नीट एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले का एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि नीट एग्ज़ाम बहुत पास था और लाइक मैंने बहुत मेहनत करी थी उस एग्ज़ाम के लिए बहुत टाइम से। तो जब एग्ज़ाम बहुत नियर था तो बहुत एन्जाइटी और डिप्रेशन, बेसिकली एन्जाइटी हो रही थी मेरे को बहुत ज़्यादा, और वो चीज़ मेरी स्टडीज़ को बहुत अफेक्ट कर रही थी। सो देन माय फादर टोल्ड मी कि मेरे पापा मेरे को मैंने उनको मेरी प्रॉब्लम बताई और फिर वो मेरे को विनय सर के पास लेके आए और यहाँ पे बस हमने थोड़ी सी ब्रेन एक्सरसाइजेस करी और हल्का सा अल्फ़ाबेट्स रिसाइट करे आगे से और पीछे से। एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, इट वाज जस्ट लाइक अ मैजिक। जस्ट मैं को जो एन्जाइटी हो रही थी वो थोड़ी कम हो गई अपने आप ही, और लाइक आई वाज नॉट एबल टू फोकस बिकॉज ऑफ दैट एन्जाइटी। तो मैं फिर से मेरा ब्रेन लाइक प्रोसेस करने लग गया और लाइक फोकस करने लग गया। मेरे को एक प्रॉब्लम थी कि मैं टेस्ट में जाके मॉक टेस्ट में जाके ब्लैंक आउट हो जाता था। लाइक मेरे को सब आता था टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन जब वो टेस्ट में क्वेश्चन मेरे सामने आते थे तो मैं याद नहीं कर पाता था कि इसका आंसर क्या है। तो वो सब चीज़ें जो प्रॉब्लम थी ब्लैकआउट होने की, वो भी सॉल्व हो गई विनय सर के सेशन के बाद। तो मैं विनय सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा उस सेशन के लिए। और उसके बाद मैंने सेशन के बाद मैंने 4 दिन बाद मेरा स्कोर पहले अराउंड 580 से लेके 620-630 की रेंज में वेरी करता था अकॉर्डिंग टू डिफ़िकल्टी ऑफ द मॉक टेस्ट। फिर सेशन के 4 दिन बाद मेरा नीट एग्ज़ाम हुआ और इन माय नीट एग्ज़ाम आई स्कोर्ड 656 आउट ऑफ 720 और ऑल इंडिया रैंक 3344 मैंने स्कोर करी। तो द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विनय सर वॉज लिटरली अमेजिंग फॉर मी। थैंक यू सो मच।